नमस्कार दोस्तों, आज ये विदेश में रहने वाले व्यक्ति के पाम का एनालिसिस करते, देखते इनके पाम में क्या क्या खासियत है। इनकी वर्तमान उम्र लगभग 45 के आसपास है, 2-4 महीने कम है। इस पाम को देखे पहली नज़र में, इनकी फेट लाइन को या इनकी राहु रेखाओं को, तो बीच बीच में बाधाएं प्लस इनकम का जो पैमाना होगा वो कम ज़्यादा होता होगा। 2 साल अच्छी इनकम हुई, 2 साल थोड़ी सी कम, यानी इस तरह की, और बीच बीच में बाधाएं भी इनको आती रहती है। पर ये पाम का कलर जिस तरह का है, व्यक्ति पैसा खींच के आता है, और बहुत सारे दूसरे पॉजिटिव साइन भी है ये पाम में, तो ये व्यक्तिगत रूप से काफ़ी समृद्ध व्यक्ति होंगे। हाँ, बीच में जो बाधाएं आती है व्यक्ति को परेशान करती है, पर ओवरऑल देखा जाए तो ये समृद्ध व्यक्ति का पाम है। और पाम की साइज देखे तो एक अच्छी खासी स्क्वायरिश शेप है। तो ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं अपने कार्य के प्रति, और मेहनत कर अच्छा खासा सफलता जीवन में पाते हैं। और यहाँ से शेप थोड़ा सा इस तरह से भी ये कव ले रहा है, तो व्यक्ति संगीत या कला क्षेत्र का शौकीन इंसान रहता है। और यहाँ पे अंगूठा देखे तो काफ़ी सशक्त है, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी और जिद भी अच्छी खासी होगी। पर फर्स्ट फैलेन जो है वो थोड़ा सा कम नुकीला है, तो व्यक्ति का ध्यान भी इधर उधर बटता होगा। और सेकेंड फैलेन देखे तो व्यक्ति एवरेज से थोड़ा सा छोटा है, तो अब तथ्यों के साथ किसी को समझाने में थोड़े से कमज़ोर रहते होंगे। फर्स्ट उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है, तो धार्मिक भावना अच्छी खासी होगी इनमें। और सूर्य की उंगली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव होगा ये, और हिम्मत कर करके अच्छा खासा धन भी इन्होंने जीवन में जमा किया होगा। क्योंकि जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो आप हिम्मत से निर्णय लेते हो, और बहुत जगह पर आपको सफलता मिलती है, और कहीं कहीं पर आपको असफलता भी मिलती है, पर ये व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। इनके पाम में एक ही माइनस पॉइंट है, वो है ये उंगली। ये उंगली फर्स्ट फैलेन तक पहुंच नहीं रही है, तो ये उंगली व्यक्ति को पैसा कमाने में आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करती, पर पैसे को मैनेज करने में डिस्टर्ब करती है, जब फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंचती। तो आप फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, अकाउंट्स, और जो पैसा आप कमाते हो उसके मैनेजमेंट में भी वो एनर्जी नहीं रहती जो एक लंबी उंगली वाले के पास होती है। यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक व्यक्ति से होती है, चीज़ें संभालने में आज नहीं कल रख देंगे, और जब ढूंढने का समय आता है तो व्यक्ति को मिलती नहीं। और ये उंगली अकाउंट्स के अंदर भी आपको आलसी करती है, कल देख लेते, परसों देख लेते, इस तरह की टेंडेंसी व्यक्ति के जीवन में रहती है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप करें तो ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग अर्न नहीं कर पाते, क्योंकि अकाउंट में इनकी वो एनर्जी नहीं रहती। पर इनका पाम देखकर लगता है कि ये समृद्धि वाला पाम है, तो इनके पास स्टाफ अच्छे खासे होंगे जो ये चीज़ें संभालने में माहिर होंगे। दूसरा, पैसा जब कमाते हो तो उसका मैनेज करने में ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती है, उतने अच्छी रीत से आप पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हो। दूसरा, यहाँ पर देखे तो फर्स्ट फैलेंज इस उंगली का थोड़ा सा मुड़ रहा है, तो ये एक व्यापार वाणिज्य में एक एक्सपर्ट इंसान बनता है। जब आपका फर्स्ट फैलेंज थोड़ा सा भी मुड़ता है तो ये उस तरफ इशारा करती है। इनके रिलेशनशिप लाइन देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब इस तरह की लाइन अगर बुध पर्वत पर है, आड़ी लाइन, तो व्यक्ति जो सांसारिक सुख होता है, पत्नी का जो सुख होता है, वो अच्छा खासा व्यक्ति को मिलता है। एक कंफर्टेबल लाइफ, सांसारिक जीवन मिलता है, कंफर्टेबल, जो आंखों के इशारों में या बहुत कम वाक्यों में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये एक सबसे बड़ा पार्ट है इनके जीवन में। और इनका बुध पर्वत अच्छा खासा बड़ा है, तो व्यापार वाणिज्य की समझ होगी, प्लस विज्ञान की भी समझ रखता है, व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, और साथ साथ में
सुंदरता भी देता है। पर इसी बुध पर्वत पर देखे तो ये पार्ट थोड़ा सा उभार ज़्यादा है, तो व्यक्ति को नाम के प्रति भी ज़्यादा केयर होता है, पैसे से ज़्यादा अपने नाम की चिंता ज़्यादा रहती है। अब इनके सूर्य पर्वत पर देखे तो इनकी दो तरह की सूर्य रेखा है, एक यहाँ से शुरू हो रही है और एक यहाँ से शुरू होके सीधी चल रही है। तो उम्र 36 के आसपास से इनके जीवन में एक कंफर्टेबल इनकम आनी शुरू हुई होगी और उसके पहले काफ़ी हार्डवर्क इनके जीवन में रहा होगा, क्योंकि सूर्य रेखा व्यक्ति को बहुत मेहनत करवाती है शुरुआती जीवन, पर जैसे ही उसका एक्टिवेशन पीरियड शुरू होता है व्यक्ति कंफर्टेबल इनकम करना शुरू करता है, यानी बैठे बैठे इनकम व्यक्ति के जीवन में आती है। और यहाँ से लगभग 57-58 से ये रेखा काफ़ी स्ट्रांग होकर सीधी चल रही है, जो सेकंड रेखा निकल रही है सूर्य रेखा, और इस तरह की रेखा भी व्यक्ति को काफ़ी सफल बनाती है। ये तो एक रेखा की बात कर रहा हूँ, दूसरे चिन्ह तो अभी डिस्कस किए नहीं। व्यक्ति को यश भी मिलता है, व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा और नाम होता है 10,000 का, इतना अच्छा नाम होता है इनका। और इसी रेखा पर देखे तो एक स्टार भी बन रहा है। जब आपके सूर्य पर्वत पर स्टार आ गया तो ये आपके सूर्य की शक्ति को एम्प्लीफाई करता है, यानी आपको नाम भी मिलता है साथ साथ में दाम भी मिलता है, यानी व्यक्ति पैसा भी खूब कमाता है। ये भी है, साथ में एक ट्रायंगल भी यहाँ पर कंप्लीट बना हुआ है। अब सूर्य पर्वत पर अगर ट्रायंगल है और छोटा नहीं अच्छा खासा ट्रायंगल है तो ये भी एक धनी व्यक्ति का की ओर इशारा करता है, पैसा भी खूब देता है ये ट्रायंगल, प्लस साथ साथ में आपको मन की जो भी इच्छाएं रहती है वो व्यक्ति की पूरी करता है। ये इतना प्लस पॉइंट है, यानी इतने बेटर साइन इनके पाम पर सूर्य पर्वत पर आ गए तो ये साधारण व्यक्ति का पाम हो ही नहीं सकता, ये सफल व्यक्ति का पाम है। हाँ, बीच बीच में बाधाएं है, वो जब जीवन रेखा पर आएंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक बढ़िया सी साइन बनी हुई है शुक्र वलय, जो ऐसे देखा जाए तो दो टाइप के शुक्र वलय है। जब इस तरह के शुक्र वलय व्यक्ति के जीवन में रहते, हाँ थोड़ा सा हो सकता है मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो, पर यह धन देने में बहुत सहायता करते, व्यक्ति की भावनाएं बहुत उमड़ती है, उसको कंट्रोल करना ये लोग सीख जाते। शुरुआती जीवन जो बचपन का जीवन रहता है उसमें काफ़ी भावनाओं का उमड़ आता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कंट्रोलिंग आ जाती है। पर ये रेखाएँ शुक्र वलय व्यक्ति को बहुत समृद्ध बनाता है, जहाँ आम इंसान 1,000 कमाता वहाँ ये लोग लाखों करोड़ों कमाते। तो बहुत सारे पॉजिटिव साइन है इनके हाथ में, मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी है इनके हाथ में और अच्छी खासी है। तो ऐसे लोग प्रॉपर्टियाँ भी जीवन में मल्टीपल क्रिएट करते। अब चलते इनके फेट लाइन पर, शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर देखे, हाँ उसके पहले एक विद्या रेखा भी है और साथ में एक छोटी रेखा भी है। विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति बेसिक ज्ञान व्यक्ति के पास अच्छा खासा होता है और उससे आकर्षित होकर लोग इनको पूछ कर काम करते हैं। और जब साइड में एक छोटी सी भी रेखा आ जाए तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर या अपनी विद्या पर घमंड भी रहता है। अब शनि पर्वत को देखे तो शनि पर्वत अच्छा खासा फ्लैट है, तो ये प्लस पॉइंट। और उस पर चलने वाली बहुत सारी रेखाएं है जो सूर्य पर्वत की ओर भी देख रही है और सीधी भी चल रही है। तो जब इतनी सारी रेखाएं होती है तो मल्टीपल इनकम की ओर इशारा जाता है, व्यक्ति इस जीवन काल में अच्छी खासी जगह से व्यक्ति को इनकम आती है, यानी ये 56 के बाद इनके जीवन में 3 से 4 जगह से इनकम आती रहेगी और कंफर्टेबल इनकम दिख रही है। तो बुढ़ापे तक इनकम के बारे में इनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इनके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत देखा जाए तो एकदम कंफर्टेबल गुरु पर्वत है, हाँ थोड़ा सा यहाँ से उभार जाता है पर ये इतना भी कोई तकलीफ नहीं देता। यहाँ ज़्यादा उभारो तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्या काफ़ी डिस्टर्ब करती है, पर इस पार्ट में जब उभार होता है तो इतनी सारी समस्याएं व्यक्ति को नहीं होती। हाँ एक चीज़ है
ये शुक्र पर्वत काफ़ी बलवान है और उसके सामने गुरु पर्वत छोटा है, तो अगर ये दोनों को बैलेंस करे तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा धन आने का चांसेस बढ़ जाता है। बाकी गुरु पर्वत अच्छा है और उस पर चलने वाली एक ये रेखा है, ये व्यक्ति को अकड़ साइंस का नॉलेज प्लस धार्मिक भावना की ओर ज़्यादा रुझान जाएगा इनका, और हो सकता है कोई ना कोई धार्मिक स्थल के ये ट्रस्टी या मैनेज करने वाले भी बने, क्योंकि इस तरह का वलय उस तरफ आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस तरफ लेकर जाता है धार्मिकता की ओर। अब चलते इनके, और यहाँ पर अगर स्क्वायर बनता होगा, पर कंफर्टेबल स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल देखे तो अच्छा खासा फैला हुआ है, ये इनकी मंगल रेखा है और ये इनकी जीवन रेखा है, तो अंदरूनी मंगल का इलाका अच्छा खासा मिला हुआ है, तो शरीर की एनर्जी तो व्यक्ति के जीवन में अच्छी खासी होगी, आम लोगों से ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो एक कंफर्टेबल जोन इनके अंदरूनी मंगल में बना है, तो शारीरिक क्षमता इनमें अच्छी खासी होगी। और यहाँ पर देखें तो भारी मंगल बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, और इस तरह का भारी मंगल व्यक्ति को संकट के समय अपने लेवल पर व्यक्ति संकट का सामना करता है। दूसरा प्लस पॉइंट होता है, व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और ये बिजनेस में भी आपको सहायक होता है। जब आप किसी से कंफर्टेबल मिलोगे और एक भरोसा बैठता है तो व्यक्ति को बिजनेस भी अच्छा खासा मिलता है, तो ये इस तरह का इनडायरेक्ट पार्ट निभाता है व्यक्ति के जीवन में। अब चलते हैं इनके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत पर देखें तो एक रेखा यहाँ से आई और ऐसे करके शुक्र का और चंद्र का मिलन हुआ, ये इसी रेखा के कारण ये आज की तारीख में विदेश में सेटल है, क्योंकि इनकी इस तरह की कोई रेखा नहीं है कि जो इनको विदेश सेटल कराए, पर इस रेखा ने इनको विदेश में सेटल करवाया। क्योंकि जब भी चंद्र का और शुक्र का मिलन होता है किसी भी रेखा से तो व्यक्ति सेटल होता है विदेश में, और चंद्र पर्वत पर एक क्रॉस बन रहा है, ये व्यक्ति को एक डर का माहौल देता है। हमेशा व्यक्ति डरता है कि मैं आज हूँ वहाँ से नीचे तो नहीं गिर जाऊँगा, कहीं मेरा पतन तो नहीं हो जाएगा, ये जो नेगेटिव भावना होती है वो व्यक्ति को देती है ये क्रॉस। मैं इसका उपाय दूंगा इनको, बहुत आसान उपाय है, और चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है तो इनकी निर्णय जो शक्ति होती है वो काफ़ी बेटर होती है, रिफाइंड सोच होती है, और ये चंद्र पर्वत भी व्यक्ति को विदेशी और आकर्षित करता है, विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है। मैंने ऐसे बहुत से पाम देखे जो कभी विदेश नहीं गए रहते, पर उनका चंद्र पर्वत अच्छा होने के कारण उनका बिजनेस विदेश से होता है और एक भी बार गए नहीं रहते, क्योंकि उस तरह की रेखा नहीं रहती, यात्रा रेखा ही नहीं रहती, पर फिर भी यहाँ से अच्छा खासा माल उनका विदेश में जाता है, विदेश में कभी पैर भी नहीं रखा रहता, फिर भी बिजनेस उनका विदेश में होता है, वो ड्यू टू चंद्र पर्वत के कारण। ये आपका विदेश से संबंध लाता ही है। और यहाँ पे मनी ट्रायंगल देखें तो ह्यूज लेवल का मनी ट्रायंगल है इनके, ह्यूज लेवल का, और अच्छी खासी बुध रेखा भी है, तो ये भी व्यक्ति को बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में मदद करती है। ऐसे लोग व्यापार वाणिज्य में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, और इस तरह का मनी ट्रायंगल व्यक्ति को काफ़ी सफल बनाता है धन के मामले में। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी रेखा है जो शुक्र रेखा है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, व्यक्ति धन अच्छा कमाता है और धन की साइनें अच्छी खासी है इनके हाथ में। हाँ, यहाँ पर अगर ये तिल है, कोई पेन का निशान या कोई दूसरा दाग नहीं है, तिल है, तो कभी ना कभी जीवन में स्त्री वर्ग से एक बार तो इनका नाम खराब हुआ हो सकता है। ये तिल आपको फल उस तरह का
एक बार तो देता ही है। हाँ बचपन से हो तो अलग बात है, पर अगर बाद में आता है तो व्यक्ति को एक बार तो नाम स्त्री वक्ष से करता है। पुरुष है तो स्त्री वक्ष से, और स्त्री के हाथ में है तो पुरुष से। बाकी इनका शुक्र पर्वत काफ़ी बेटर है, तो ये इनका पर्सनल एक्सपेंस काफ़ी अच्छा होगा, इनको गर्मी सहन नहीं होती होगी, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी तरह से रहते लोग जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है, और ये पैसा कमाने में भी और पैसा देने में भी अच्छा खासा सहायक होता है। पर इनके एक्सपेंस ये बहुत अच्छी तरह से जीते, लार्जर देन लाइफ जीते जिनका शुक्र पर्वत अच्छा होता है। अब चलते इनके हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा को देखें तो कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर इस तरह से चल रही है, और यहाँ पर बहुत सारी फ्लर्ट लाइन है। तो जब ज़्यादा फ्लर्ट लाइनें रहती है तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, एक थोड़ी देर दुखी होगा, उसके बाद कोई ना कोई खुशी के पल ढूंढकर खुश रहने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ा पार्ट, और जीवन को जीता है, हंसी खुशी जीता है, आनंद से रहता है इस फ्लड लाइनों के कारण। है छोटी रेखा है पर इतना रोल निभाती है आपको, और इनकी हृदय रेखा गुरु पर्वत से शुरू हो रही है तो व्यक्ति विश्वासु किस्म का इंसान रहता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी हो तो व्यक्ति याद करके देकर आएगा। और इस रेखा का फल देखिए, इन्होंने पेमेंट मुझे किया, उस पेमेंट को इन्होंने वापस पूछा भी, क्या आपको मिल गया, तो ये कारण है इसी हार्ट लाइन का। व्यक्ति को किसी के भी 100 रुपये बाकी भी हो तो व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता जब गुरु पर्वत से शुरू होकर, और कौ भी ले रही है तो ये अच्छे प्रेमी स्वभाव के होंगे, सबसे प्रेम बांटते होंगे आसपास के लोगों से, साथ में काम करने वाले लोगों से, सभी के साथ, परिवार में सबके साथ इनके अच्छे संबंध होते हैं जब इस तरह की रेखा होती है, कौ लेती है तो। पर इसी रेखा को देखे तो काफ़ी डार्क है, तो जीवन में झंझट मारिया कंटिन्यू शुरू रहती है इनकी। ये व्यक्ति अपने लिए जी नहीं पाते, कोई ना कोई एक्स्ट्रा बोझा लेकर जीवन भर चलना पड़ता है, किसी और के लिए ही जीना पड़ता है। ये उस तरह की रेखा है इनकी हार्ट लाइन। और यहाँ पर देखे तो हो सकता है ये डबल हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ से और जीवन में परिवार का टेंस कहो या व्यापार का टेंस कहो, ये पीरियड होगा लगभग 52 के आसपास से, व्यक्ति के जीवन में और जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, और व्यक्ति अपना जीवन छोड़कर किसी और के जीवन की ओर, यानी किसी और के लिए जीता है। और यहाँ पर बहुत सारी रेखा है इनकी नीचे भी जा रही है, तो मित्रों को भी हो सकता है ये मदद करे और वो पैसा वापस ना आए। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन भी देखे तो अच्छी खासी दबाव वाली ही है, गुरु पर्वत से टच होकर सीधी चलकर यहाँ पर आकर ऐसे घूम रही है। जब इस तरह की माइंड लाइन हो तो व्यक्ति इमेजिनेशन पावर काफ़ी बढ़ जाता है, और गुरु से जब टच होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। पर इनकी माइंड लाइन पर देखें तो थोड़ी सी शॉर्ट है, तो एक एक्स्ट्रा दबाव आने पर हो सकता है ये विस्फोटक हो। और यहाँ पर देखें तो ये पार्ट तक माइंड लाइन काफ़ी डिस्टर्ब है, ये काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन इनका रहा होगा। लगभग 36 तक इनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा होगा, क्योंकि इनकी माइंड लाइन पर बहुत सारा दबाव दिख रहा है। पर उसके बाद इनकी माइंड लाइन स्मूथ होते हुए आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक ब्रेक भी आया है। हो ना हो ये 36 तक सीरियस ना हो, और 36 के बाद ये सीरियस होना अपने जीवन में शुरू हुए होंगे जीवन के प्रति, क्योंकि जब भी माइंड लाइन पर ब्रेक होता है तो व्यक्ति उसके शुरुआती पीरियड में सीरियस नहीं होता, और कोई ऐसी घटना घटती है और व्यक्ति जीवन को सीरियसली लेना शुरू करता है और जीवन उसका आगे बढ़ाता है। तो इनके जीवन में भी इस तरह का पार्ट, 36 के साल में कोई ना कोई ऐसी घटना, 36 के आसपास एग्जैक्ट पामिस्ट्री है, 1-2 साल प्लस माइनस आप पकड़ के चलिए, इस पीरियड के आसपास कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होगी
जो इनके माइंड को चेंज किया होगा। अब चलते इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर चले तो बहुत बार इनकी मंगल रेखा इस तरह से महसूस होती है जैसे जीवन रेखा हो। ये चली और यहाँ से एक, और ये जीवन रेखा है इनकी। जब इतनी अच्छी मंगल रेखा होती है तो मंगल रेखा से बहुत ज़्यादा व्यक्ति को बेनिफिट होते मैंने किसी के पाम पर देखा नहीं। हाँ, जो राहु रेखाएँ आती है उनकी डेंसिटी को कम करती है, जैसे 100 की स्पीड में आई तो ये एक चीन की दीवार की तरह काम करती है, जैसे चीन की दीवार के कारण चीन का आक्रमणों से बचा हुआ, उसी तरह मंगल रेखा के कारण राहु रेखा से जो वार आता है उसकी डेंसिटी को कम करता है, कम करती है ये रेखा। इससे ज़्यादा किसी की बेनिफिट मैंने नहीं देखी, और बार बार आपको एहसास कराएगी कि मैं रक्षा कर रही हूँ आपकी। आप चल रहे हो, कोई ना कोई स्कूटर आएगा या ऑटो रिक्शा वाला आएगा, या आप कार में बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा अभी मैं बच गया, नहीं तो आज एक्सीडेंट हो जाता। ऐसे महीने दो महीने में एकाध किस्से तो आपके साथ होते ही होंगे जो आपको ऐसा लगता होगा अब मैं बचा। इसके सिवा कोई मंगल रेखा का मैंने बहुत मेजर बेनिफिट जीवन में किसी के देखा नहीं है। हाँ, ये बेनिफिट जरूर देखा है, जो राहु रेखाएं आती है उनकी डेंसिटी को ये कम करती है। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा ऊपर देखें तो यहाँ तक जॉइंट चली, और यहाँ से एक अलग पार्ट लेकर इनकी जीवन रेखा आगे बढ़ी। और इसी जीवन रेखा पर देखें तो अलग अलग समय पर ये लगभग उम्र 29 के आसपास, उम्र 34 के आसपास, उम्र 38 के आसपास, उम्र 44 के आसपास, उम्र 46 के आसपास, उम्र 55 के आसपास, और उम्र लगभग 65 के आसपास इनको राहु रेखा है जीवन में काट रही है। इस समय कोई ना कोई जीवन में तकलीफें इनके जीवन में आई होगी, क्योंकि जब भी राहु रेखा काटती है आपको आर्थिक नुकसान होता है और आपको पीछे हट होती है, यानी रास्ते आपको बंद होते दिखते हैं। तो हो ना हो, क्योंकि ये जो वर्तमान पीरियड है इनका, इसी पीरियड में बहुत जगह पर और एक्सट्रीम लेवल का अलग ही तरह का वार इनके जीवन में हुआ है। ये एक रेखा ऐसे आई, एक रेखा ऐसे भी काट रही है, तो ये पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। तो हो ना हो अभी जो पीरियड चल रहा होगा इनका काफ़ी तकलीफदायक पीरियड होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद भी एक राहु रेखा है 46 के आसपास भी, और एक छोटी सी राहु रेखा। तो ये जो साल जाएंगे इनके लगभग 4 से 5 साल, ये काफ़ी तकलीफदायक जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू वार जा रहा है और व्यक्ति को अच्छा खासा आर्थिक नुकसान भी ये राहु रेखाएं देती है। यानी 44 से लेके 4 साल का जो समय होगा ये काफ़ी तकलीफदायक इनके जीवन में जाने वाला है, और पहला ही वार बहुत हैवी हुआ इनके जीवन में, और बार बार तकलीफें उठाएंगे ये, क्योंकि राहु रेखा है बहुत डेंजरली इनको काट रही है। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, उसके बाद वापस जीवन काफ़ी स्मूथ हो रहा है, क्योंकि आपको ऑफशूट मिल रहे हैं यहाँ पर, तो जो गया होगा वो वापस आपके पास आ जाएगा। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, और आपके पास अच्छे खासे धन के साइन है, तो आपको आर्थिक रूप से कोई ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक के जीवन में एक सर्टन पीरियड उस तरह का आता है जो व्यक्ति को काफ़ी टेंस देता है, पर उसके बाद वापस जीवन अच्छा खासा हो जाता है, और ऐसा आपने जीवन में पहले भी देख चुके आप। अब चलते बाकी की जीवन रेखा पर। तो जीवन रेखा बाकी की अच्छी खासी है, और ये जो पार्ट है ये जीवन रेखा पतली है, तो ये शरीर के प्रति काफ़ी ध्यान रखने वाले इंसान होंगे। तोल तोल के खाना, ये खाने से
बुखार आएगा, ये खाने से प्रोटीन इतना मिलता है, ये खाने से आयरन इतना मिलता है, इस तरह से सोच सोच कर खाने वाले लोग होते हैं जिनकी जीवन रेखा पतली होती है, शरीर के प्रति काफ़ी एनर्जी यानी ध्यान लगाते हैं, पर ये ध्यान भी एक सर्टन एज के बाद ये छोड़ देंगे और अच्छा खासा कंफर्टेबल जीवन जिएंगे, क्योंकि उसके बाद इनकी जीवन रेखा स्ट्रांग हो रही है और यहाँ तक थोड़ी सी लाइट है। तो ये उम्र के लगभग 50 के बाद ये उस तरह का सोचना बंद कर देंगे और शरीर के प्रति सोचना छोड़कर जीना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ से इनकी जीवन रेखा डार्क हो रही है। अब चलते हैं इनकी फेट लाइन पर। फेट लाइन को देखें तो नॉन स्टॉप चल रही है, यहाँ से चली और पूरी होकर गुरु पर शनि पर्वत की ओर जा रही है। तो व्यक्ति के पास जब इस तरह की फेट लाइन होती है तो कंफर्टेबल इनकम होती है, इनकम कंटिन्यू होते रहती है, और यहाँ से एक रेखा और निकल रही है जो सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो और इसी फेट लाइन पर बहुत जगह पर, कहीं पर डार्क है कहीं पर लाइट है, तो 2-3 साल अच्छी इनकम होती होगी, 1-2 साल कम रहती होगी, इस तरह का इनके साथ रहता होगा। और फेट लाइन पतली है तो एनर्जी अच्छी खासी लगती होगी इनकी पैसा कमाने में, सुबह से लेकर शाम तक ये बिजी रहते होंगे। और इसी फेट लाइन पर आप देखो 2 से 3 है मल्टीपल इनकम के स्रोत वाले इंसान लग रहे ये, और इसी फेट लाइन पर बहुत जगह पर खर्च दिख रहा है, और ये जब सीधी लाइन काटती है तो ये केवल खर्च दिखाती है, और अगर टेढ़ी काटती है तो व्यक्ति को अच्छा खासा आर्थिक नुकसान जाता है। और ये पीरियड रहा होगा ये 30 से लेके या 32-33 से लेके 36-37 तक का पीरियड काफ़ी तकलीफ वाला इनके जीवन में रहा होगा इनकम के हिसाब से, और उसके बाद फेट लाइन अच्छी खासी चलकर आगे बढ़ रही है। और ये रेखाएं जब आती है तो ये आपके जीवन को डिस्टर्ब करती है, ये जब कट होता है तो व्यक्ति अच्छा खासा आर्थिक नुकसान जीवन में उठाता है, और ये वर्तमान पीरियड में ही चल रहा है, यानी यहाँ पर ये अच्छे खासे हिल जाएंगे, आर्थिक नुकसान इनको काफ़ी होगा, पर उसके बाद वापस कंफर्टेबल जीवन इनका शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, और अप टू बुढ़ापे तक कंफर्टेबल इनकम करते रहेंगे। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।